आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी पार्टियां बीजेपी को शिकस्त देने के कवायद में जुटी हैं। इसके चलते INDIA गठबंधन बनाकर विपक्ष सभी राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं अब कांग्रेस जनवरी 2024 के पहले हफ्ते के बाद भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर सकती है। दरअसल राहुल गांधी नेतृत्व में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा को काफी सफल माना गया था। इसको लेकर तमाम राजनीति जानकारों ने पार्टी को लाभ होने के संकेत दिए हैं। इसी के मद्देनजर कांग्रेस इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने पर मंथन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 2.0 हाइब्रिड मोड में होगी, जिसमें प्रतिभागी पैदल के साथ साथ वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। यात्रा के लिए दो रूट तलाशे जा रही हैं। अगर फाइनल हुआ तो इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर राज्य से होगी। वहीं कहा जा रहा है कि इस बार रैली के जरिए विशेष फोकस उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र पर होगा। सूत्रों ने बताया है कि चूंकि प्रस्तावित अवधि आम चुनाव से पहले होगी, इसलिए विपक्षी पार्टी खेमे के प्रमुख चेहरों को भी शामिल इसमें करने की योजना बनाई जा रही है। यात्रा के पहले संस्करण की तरह इस बार भी हर दिन समापन बिंदु पर राहुल गांधी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 21 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान प्रस्तावित यात्रा पर चर्चा और समर्थन होने की संभावना है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुआ था और जनवरी 2023 में श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में समाप्त हुआ था। इस दौरान राहुल गांधी ने लगभग 4,080 किलोमीटर की दूरी तय की थी। यह रैली 126 दिनों में 12 राज्यों के 75 जिलों से होकर गुजरी थी, जो कि भारत की सबसे लंबी पदयात्रा है।